लोकसभा चुनाव के 8वें चरण के तहत 7 राज्यों की 64 सीटों पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 15, बिहार की 7, उत्तराखंड की सभी 5, हिमाचल की 4, पश्चिम बंगाल की 6, जम्मू कश्मीर की 2 और आंध्र प्रदेश में 25 सीटों के लिए कुल 1737 उम्मीदवार मैदान में हैं। करीब 19 करोड़ मतदाता इनका भाग्य तय करेंगे। इस चरण के साथ ही 543 संसदीय सीटों में से 502 पर चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हो जाएगी। बाकी 41 सीटों पर 9वें और अंतिम चरण के तहत 12 मई को वोटिंग होगी। चुनाव का ये दौर कांग्रेस के लिए काफी अहम है, क्योंकि 64 में से 31 सीट फिलहाल उसके पास है। भाजपा के कब्जे में सिर्फ 5 सीटें हैं। 8वें चरण में कई सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर है। जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता करेगी, उनमें कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, बीजेपी के महासचिव वरुण गांधी, केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा, पल्लव राजू, डी पुंदेश्वरी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान, बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी और अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।